हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू तिवारी एकेडमी अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 लेट ए बी नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री क्रॉस थ्री देन डिटर्मेंट ऑफ एट जॉइंट ए इज इक्वल टू अब ऑप्शन हैं डिटर्मेंट ऑफ ए के टर्म्स में अब आपको पता है एट जॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इसी डिटर्मेंट की वैल्यू आती है डिटर्मेंट ऑफ ए इसकी पावर एन माइनस और एन क्या है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए अब मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है थ्री क्रॉस थ्री मतलब एन क्या हो गया थ्री तो एडजॉइंट ए का डिटर्मेंट आएगा डिटर्मेंट ऑफ ए की पावर थ्री माइनस वन कितना हो गया टू अब ऑप्शन क्या है इसमें ऑप्शन बी सही हो गया फिर इससे ऑप्शन बी इज करेक्ट ठीक है तो आप क्वेश्चन नंबर एटीन देखें इफ ए इज एन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू देन डिटर्मेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू और ऑप्शन हैं वन जीरो या फिर डिटर्मेंट ए के टर्म्स में अब हमको पता है ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है अब मैं दोनों साइड का डिटर्मेंट ले लूँ अगर ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं तो इन दोनों का डिटर्मेंट भी बराबर होगा टू डिटर्मेंट आई का आई का डिटर्मेंट जो होगा अब ये डिटर्मेंट अब डिटर्मेंट ए इंटू बी मैट्रिक्स का डिटर्मेंट अगर लेना है तो वो किसके बराबर होता है डिटामेंट ए इंटू डिटामेंट बी के तो इन दोनों को भी ब्रेक कर सकते हैं डिटामेंट ए इंटू डिटर्मेंट ए इनवर्स के बराबर हो गई और आई का डिटर्मेंट हमेशा वन आता है तो ए इनवर्स का डिटर्मेंट क्या हो जाएगा इसको उस साइड ले जाएंगे वन अपॉन डिटर्मेंट ऑफ ए तो इसको और दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं वन अपॉन डिटर्मेंट ए तो कौन सा ऑप्शन आ गया इसमें बी ऑप्शन सही हो गया तो बी ऑप्शन इज करेक्ट